किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गाँव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गांव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित गाँव चिमियावली पड़ा। लगभग 5,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर, तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी 5 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गाँव के प्रधान नूर अहमद हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 260 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 25 सीसी टाइल्स रोड, 150 मीटर नाला, प्राइमरी विद्यालय की बाउंड्री तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 शौचालयों का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 10 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 125 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, पंचायत घर, शमशान घाट, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45 आवास के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान नूर अहमद, ग्राम पंचायत चिमियावली, विकास खंड संभल रहने वाला हूँ। गाँव चिमियावली में विकास कार्य कराए हैं, सीसी रोड भी कराए हैं और भी रास्ते कराए हैं, आवास भी और शौचालय भी दिलाए हैं आदमियों को, गरीब आदमियों को। एक समस्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, पानी की गंदगी ज़्यादा है। इससे सरकारी नलों में, वैसे भी नलों में पानी की दिक्कत आती है। पहले कई बार सरकारी आदमी पानी भर कर ले गए हैं, तो चेक पानी जब कराया गया तो गंदा पानी साबित हुआ रिपोर्ट में जब आई तो। और आंगनवाड़ी केंद्र भी ऐसे ही हैं, सही हैं, मरम्मत अब कराई है। और स्कूलों में बाउंड्री वाल हुआ है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी की योजना ही, ऊपर से आदेश आया गया पहले स्कूलों में विकास कार्य आप कराएं, तो वीडियो के उससे मैटर से कराया गया ग्राम पंचायत में। और पानी की टंकी की सबसे बड़ी दिक्कत है, मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करेंगे, प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे यहाँ पानी की टंकी की निकासी होनी चाहिए। पानी की टंकी बन जाए, जब नीचे से पानी आएगा तो गंदा पानी 70 फीट पर गंदा पानी आ रहा, और जब 200-300 फीट पर हो जाएगा टंकी हो जाएगी, तो पानी की जो टंकी है उससे सहायता मिलेगी आदमियों को, गरीब आदमियों को। तीसरी बार प्रधान बना हूँ मैं, पहले नंबर जब बना था मेरी पत्नी प्रधान ही, दो बार मैं प्रधान हूँ इसी गांव में चिमियावली में। और भी सारे कार्य कराए और बगैर भेदभाव के काम कराया, जब भी जनता वोट देती है वो सोचती भी है कि कौन आदमी कैसा है, सभी आदमी क्या सोचते हैं, हम भी प्रधान बने, हम भी बने, और जिसे जनता चाहती है वो प्रधान बनता है। ठीक, जनता के हित की बात कहोगे तो प्रधान बनोगे, जब हित की बात ना कहोगे तो ना बनोगे। गया बात के काम करने की, मेहनत जब लगन से काम करोगे और सोच समझ के जब चलोगे, तो जनता कभी भी आने वाले समय चुनाव को ही जाएगी और कभी भी नकारेगी नहीं, तो किसी के दरवाजे अगर जाओगे तो वोट में। ठीक ठीक, यही मेरी मुख्यमंत्री से अपील है, ये छोटी मोटी सड़क है और भी विकास कार्यों को पैसे की कमी है ग्राम पंचायतों में, इस वजह से विकास कार्य नहीं हो पा रहे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि के किस समय पर न मिलने के कारण गांव विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। मेरा नाम असरार अहमद है, ग्राम पंचायत चिमियावली का रहने वाला हूँ। हमारे प्रधान सही काम करा रहे हैं गाँव में, बढ़िया काम करा रहे हैं, और गरीब मजदूर को बहुत साथ देते हैं। अच्छे रोड सीसी भी पड़े हैं इस गाँव में, मैं फिर भी जितनी योजना लाते हैं खींच कर भारत से गरीबों को दिलवाते हैं, और जितना पैसा आ रहा है वो सारा लगा रहे हैं, सही काम करा रहे हैं। ये सड़क प्रधान जी ने डलवाई है और गांव में अच्छा काम हो रहा है, बिना भेदभाव के हो रहा है।